समझा गया है, फिर भी कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि प्राइवेट अस्पतालों से संबंधित गड़बड़ियां ना हो। ये बड़ी एम्बिशियस संसार की सबसे बड़ी योजना है। बाकी आपको गाइड करने के लिए आयुष्मान मित्र होंगे, डॉक्टर होंगे, यानी कार्ड तो जनरेट हो जाएगा सीएचसी लेवल पर भी, सिविल हॉस्पिटल लेवल पर भी, और जहां आप जाओगे वहां भी कार्ड बन जाएगा और मुफ्त कार्ड बनेगा। तो हम तो यही आपको अपनी शुभकामनाएं देंगे कि पहले तो आप बीमार ना हो, क्योंकि इस स्कीम के तहत वेलनेस सेंटर भी खोले गए हैं कि योगा भी सिखाया जाता है, उनको डाइट की भी एडवाइस दी जाती है। बीमारी तो मजबूरी है, मगर ऐसा भी है कि बीमार ना हो इंसान, या बहुत कम बीमार हो तो लोग जब जाना होता है, भगवान की मर्जी है, तब कोई ना कोई बहाना बनता है बीमारी का। मशीन है ये, मशीन फेल होने लगती है और इंसान हरे की चला जाता है। मगर उससे पहले एक स्वस्थ, आपका स्वास्थ्य ठीक हो और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, उसको सिखाने के लिए भी ये सरकार हरेक जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज खोलेगा, हिसार में अगरोहा मेडिकल कॉलेज है, फतेहबाद में मेडिकल कॉलेज, यानी हर जिले में मेडिकल कॉलेज, पीजीआई और एम्स का भी कैंसर सेंटर बाढ़ता में। तो हेल्थ या किसी भी फील्ड में हरियाणा आगे आगे चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपको नजर आएगा, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे नेशनल हाईवेज का जाल हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वो टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि यूनिक करेंगे, करो। और मोदी जी तो ये कहते हैं कि मैं, यानी हमने ऐसे देखा कि बिल्डिंग, पार्लियामेंट की भी बिल्डिंग बन रही है, हमारे आवास भी बनाए गए एमपी के, तो बिफोर टाइम एक साल पहले इनॉग्रेशन होगा। इसी स्पीड से ये भी योजना लागू की जाएगी। और मेरी सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, मैं कहता हूं कि हम मदद के लिए हाजिर हैं, उसमें डॉक्टरों को काम ज्यादा करना पड़ेगा, आपके क्लर्क वगैरह को क्लेम बनाने से, क्योंकि सरकार से पैसा मिलेगा। जैसे इसमें लिखा है कि भाई 29 लाख परिवार और 1.25 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति, अब तक 580 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम आ चुके, कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध, जिसमें 176 सरकारी और 539 निजी अस्पताल हैं। कई दफा क्या होता है कि सरकारी अस्पताल की सुविधाएं नहीं है और निजी क्षेत्र में सुविधाएं पहले आ जाती हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस है, उन्हें सेंक्शन नहीं लेनी पड़ती, उनकी फाइलें ऊपर नीचे नहीं होती। तो निजी अस्पतालों को भी एनकरेज, यानी उनको भी बढ़ावा देने के लिए, उनको भी शाबाशी देने के लिए और साथ में उनसे मदद लेने के लिए ये योजना को बढ़ाया गया है। भिवानी जिले में कुल 1,40,768 परिवार तथा 4,59,375 लाभार्थी हैं। इनमें से 4,03,041 परिवारों में लाभ प्राप्त हो चुके हैं। तो ये अच्छी स्कीम है और इसमें कुछ आप लोगों के सवाल भी होंगे। पहले मुख्यमंत्री जी बोलने वाले हैं, वो आएंगे अभी बोलेंगे, और उसके बाद जो डॉक्टर यहाँ से बैठे हैं, आयुष्मान मित्र हैं, ज्यादा से ज्यादा पहले तो कार्ड बनवाए परिवार की ठीक आमदनी बता के, और उसके बाद कोई दिक्कत हो तो मेडिकल स्टाफ की मदद ली जाए।
इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ हमने मुख्यमंत्री और कार वितरण का मतलब यह होगा कि और भी दो इसके ये सेवा प्रदान की जाए। जय हिंद। आयुष्मान कार्ड जो बनाया है क्या लाभ होगा? सुषमा नाम है जी, खरा खुर्द से आई हूँ और इससे मतलब कोई भी दिक्कत हो जाए तो मतलब 5 लाख का फ्री इलाज होगा, ये सुविधा। मेरा नाम पविता है, मैं बामला गांव से आई हूँ और मेरा आयुष्मान कार्ड बन चुका है और मैं और मेरा परिवार को ये फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा और जो भी सुविधा होगी वो हम इसको लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर दिया, जो हर गरीब के लिए 5 लाख का बीमा तक की योजना बना दी है। कोई भी सदस्य ये ना होगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे इलाज कराऊं। ये फ्री इलाज है, 5 लाख तक का बीमा है और परिवार में सबको ये सुविधा दी जाएगी। मैं खरगपुर से आई हूँ जी, आशा वर्कर हूँ, सब सेंटर खरगपुर है जी और हम आयुष्मान कार्ड के लिए आए हैं जी, सबको ये लाभ मिलना चाहिए। ये फायदा होगा, ये 5 लाख तक का वो है जी बीमारी का। मेरा नाम कांता आशा वर्कर है, ये प्रधानमंत्री ने आयुष्मान का कार्ड बनाया, ये बहुत लाभदायक है और हमें एरिया में सबको ये बोलते हैं आयुष्मान का कार्ड बनवा लेना भी है, क्योंकि इससे बहुत ही फायदा है। थैंक यू। मेरा नाम बिंकी है, मैं आशा हूँ अर्बन से और आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं पंचायत भवन में वो आयुष्मान कार्ड का जो शुभारंभ हो रहा है योजना का उसके लिए आए हैं और इसे जो गरीब परिवार हैं हमारे जिनके पास मतलब आय के साधन नहीं है, जो अपना इलाज अच्छे से नहीं करवा सकते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो पैनल में आए हुए हैं सरकार के द्वारा उनसे अपना इलाज करवा सकते हैं। जी बहुत अच्छा है जी, गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छा है।